देवी और सज्जनों, अब हमारे बीच भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हैं। अब आप सबसे अनुरोध है कि भारत और जापान के राष्ट्रगान के लिए तैयार रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहां कोबे में मैं जापान के समस्त भारतीय समुदाय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने जापान की इस महत्वपूर्ण यात्रा में आज के कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। संपूर्ण जापान में और विशेष रूप से कोबे में भारतीय समुदाय का एक लंबा इतिहास रहा है। इस समुदाय ने अपनी कर्मभूमि जापान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आज वे भारत में आपके कुशल नेतृत्व में अपनी जन्मभूमि के विकास में सहभागी होने के लिए उत्सुक है। भारत में इस समय मूलभूत परिवर्तन हो रहे हैं। पूरे विश्व की दृष्टि आज भारत पर केंद्रित है। भारत जापान साझेदारी हमारे आर्थिक विकास। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा भारत और जापान के गहरे संबंधों को और भी सुदृढ़ करेगी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद। समय भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया था कि जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। कोबे में आए और आपको मिले बिना चले जाए
मत कर, तुम नीचे खड़े जाओ। वो बेटे मेरे संबंधों के संबंध में उनसे कहा कि 2001 में जब गुजरात में भयंकर भूकंप आया तो कोबे सबसे पहला था जिसने आकर के गुजरात के लोगों की मदद की थी। और उसके पहले ही यहां भूकंप हुआ था, उसके बावजूद भी। और जब सुख में कोई आए ना आए रहता है, आया होता तो अच्छा होता, लेकिन दुख में कोई ना आए तो याद रह जाता है। और जो दुख में पहुंच जाए वो जीवन भर पूज्य लगता है। कोबे उस रूप में दुख की स्थिति में हाथ बटाने वालों में से सबसे पहले था, तो उसका स्मरण रहना, उसके प्रति आदर भाव रहना बहुत स्वाभाविक है। आप सब इस बात से गर्व करते होंगे, हिंदुस्तान की हर खबर आपका माथा ऊंचा करती होगी, करती है नहीं करती? सीना तान करके आंख में आंख मिला करके बड़े हौसले के साथ अब बात कर पाते होंगे। और उसका कारण उसका कारण मोदी नहीं, उसका कारण 125 करोड़ हिंदुस्तानी है। जिस लगन से देश को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष करके भारत की युवा पीढ़ी ने जो मन में ठान ली है और जिस प्रकार से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को भी गर्व हो। 2 साल भयंकर अकाल के रहे, बारिश बहुत कम हुई थी और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अकाल में सब कुछ चरमरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 साल के भयंकर अकाल के बावजूद भी, स्कैर्सिटी के बावजूद भी, सारा विश्व एक आवाज से कह रहा है कि बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अगर कोई इकोनॉमी है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, सब लोग एक स्वर से कह रहे, भाई IMF ने तो कह दिया भारत एक चमकता सितारा है, ऐसा कहा है। विश्व भर के अर्थशास्त्री मानते हैं कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरी FDI की अलग परिभाषा भी है। पहली परिभाषा है मेरी FDI की, फर्स्ट डेवलप इंडिया। और दूसरी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इन दिनों भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा FDI भारत को प्राप्त हो रहा है।
और एफडीआई प्राप्त करने का ग्रोथ रेट भी है वो हिस्टोरिकली हाईएस्ट है। तो ये चीजें इस बात को उजागर कर रही हैं कि देश आर्थिक विकास में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में गरीबी की चर्चा हमेशा हुई है, ऐसा नहीं कोई मैंने आकर के शुरू की है, पहले भी हुई है, लेकिन ज्यादातर चुनाव के समय हुई है। बाद में सब भुला दिया गया है। मैंने चुनाव के बाद शुरू कर दी है और बहुत तेज गति से उस बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि देश को गरीबी से मुक्त करना चाहिए। कर सकते हैं। अब हमारे देश में 40% लोग ऐसे थे उनके नसीब में बैंक का दरवाजा भी नहीं था, वो सोच ही नहीं सकता कि इतने बड़े बिल्डिंग में जहां इतने शीशे लगे हो मैं अंदर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता। हमने आकर के अभियान चलाया कि सबसे पहले सबके बैंक के खाते खोल देंगे। अब पैसे तो थे नहीं, स्टेशनरी का भी खर्चा होता है, होम का भी तो खर्चा 8-9 रुपया तो होता ही होता है। हमने सरकार को कहा नहीं, एक पैसा लेना नहीं, मुफ्त में खाते खोलो। तो कुछ दिन तो आप जानते हो मेरा क्या हुआ होगा, लेकिन खैर फिर सरकार में सब लोग मान गए। और हमने गरीबों से कहा कि आपके पास एक नया पैसा नहीं होगा तो भी आपका बैंक का खाता खुलेगा। और देश में करीब करीब सभी गरीब परिवारों के बैंक के खाते खुल गए। अब हमने तो गरीबों को कहा था 1 रुपया नहीं होगा तो भी खुलेगा, लेकिन हमारे देश की विशेषता है देश के गरीबों ने अमीरी दिखाई है। बहुत बार हम अमीरों की गरीबी तो देखते हैं, लेकिन गरीबों की अमीरी देखने का सौभाग्य मिला। उनको कहा था कि आप 1 रुपया भी नहीं दोगे तो चलेगा, उसके बावजूद भी जिसका जीवन में कभी अकाउंट नहीं खुला था, बैंक का दरवाजा नहीं देखा था, इस एक शब्द पर इन गरीबों ने बैंक खातों में करीब करीब 45,000 करोड़ रुपया जमा किया। 45,000 करोड़ रुपये। ये है गरीबों की अमीरी, और यही है हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत, जो देश हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाने का सामर्थ्य रखती है। 2011 में जापान में बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, आपके यहां भूकंप आया, सुनामी आई, उसी समय आपके यहां फुकुशिमा की दुर्घटना हुई। 2011 के वो दिन याद करें, बिजली में कटौती, पानी भी 4 बोतल जरूरत है तो 1 बोतल से चलाना, दही लाना है तो नहीं भाई मत लाओ कम लाओ। और सिर्फ वहां नहीं, जहां पर आपत्ति आई थी पूरे जापान में सरकार ने इच्छा व्यक्त की सरकारी दफ्तरों के लिए, लेकिन इस देश की जनता ने इसे अपनी जिम्मेवारी माना और हर कोई
कोट पैंट टाई बंद करो तो बंद किया, एसी बंद करो बंद किया, पानी जरूरत से ज्यादा मत लो नहीं लिया, कम चीजों से घर खाने में चला तो तीन सब्जी बनाते एक सब्जी चलता है, ये आप लोगों ने किया, जापान के लोगों ने किया। जब मैं पढ़ रहा था ये सारी चीजें और जब मैं बाद में आया था तब जब सुनता रहा था लोगों से तो मुझे भी कभी होता था कि कैसे महान लोग हैं, देश के लिए क्या कुछ कष्ट झेलते हैं। लेकिन कभी कभी मौका मन में आता था कि क्या हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है, क्या क्या संभव है क्या। लेकिन आज मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी अगर उसे अवसर मिले, मौका मिले, जिम्मेवारी की बात आ जाए, जैसा आपने करके दिखाया, वह भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, ये मैं अनुभव से कहता हूं। अभी अभी का मेरा ताजा अनुभव है। कौन से वाला? आपको भी पता है कि अचानक 8 तारीख को रात को 8 बजे ₹500 और ₹1000 की नोट सवा 100 करोड़ देशवासियों को नमन करता हूं, सलाम करता हूं जी। घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। इन सब के बावजूद भी तकलीफ है, ये पता है, खुद को है पता है, अड़ोस पड़ोस को है पता है, उसके बावजूद भी लोग मुंह में उंगली डाल डाल करके पूछवाते थे मोदी को कुछ बोलो, कुछ मोदी के खिलाफ बोलो, ऐसा भी चल रहा था। लेकिन मैं देश के लोगों को 100-100 सलाम करता हूं, कोई 4 घंटे लाइन में खड़ा रहा, कोई 6 घंटे खड़ा रहा, लेकिन तकलीफ झेली, लेकिन देश के हित में इस निर्णय को वैसे ही स्वीकार और स्वागत किया है जैसे 2011 में जापान के हर नागरिक ने करके दिखाया। कुछ स्थान पर तो लोग 5-5 घंटे खड़े थे और अचानक एटीएम काम करना बंद कर दिया, तो भी चलो कल ठीक हो जाएगा, ये अपने आप में देश के उज्जवल भविष्य की निशानी है, उज्जवल भविष्य की निशानी है। ये ठीक है कि पाप करने वालों की संख्या कोई ज्यादा नहीं होगी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोगों के, मुसीबत 125 करोड़ को हो रही है, लेकिन फिर भी 125 करोड़ को लगता है कि अगर इतना सा झेलने के बाद, और आपने देखा होगा अब तो व्हाट्सएप पर सब आता होगा, पहले गंगा में कोई चवन्नी नहीं डालता था,
नोटे बह रही है गंगा जी, नोटे बह रही है। आप मुझे बताइए, ये चोरी का माल निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? सामान्य मानवी को शिकायत ये होती है कि आप एक को फायदा हो और दूसरे को नुकसान, को उसको लगता है कि भाई कानून सबके 500 की नोट गई, सबके 1000 की नोट गई, मोदी की भी 1000 की नोट अब बाजार में चलने वाली नहीं है, तो लोग कहते हैं भाई ये बढ़िया हो गया। ऐसा होना चाहिए, हर एक के लिए समान उसका असर है। और इस कारण, इस निर्णय से मुझे भी पता नहीं था कि मुझे एक ऐसे आशीर्वाद मिलेंगे जिस आशीर्वाद के शायद मैं जब सोच रहा था कि ये करूंगा तो क्या क्या तकलीफ आएगी, क्या क्या फायदा होगा, वो तो मैं सोचा ही नहीं था। मैं दिमाग खपा रहा था कैसे करूं कैसे, और अच्छा ये काम ऐसा था कि लोगों से बता भी नहीं सकता था, अचानक करना पड़े वरना तो खेल खत्म। जो लोग इतना जमा कर सकते हैं वो अपनी जगह भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको सीक्रेट रखना भी जरूरी था। तो मैं सोच रहा था ये तकलीफ होगी, ये तकलीफ होगी, ये मुश्किल होगा, तो हमारी छोटी टीम थी, बैठ करके रास्ते खोज रहे थे। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था उसमें से मुझे कोई आशीर्वाद भी मिलेंगे। जब लोगों को पता चला कि किसी गृहिणी के, क्योंकि हर महिला सब्जी लेने जाती है थोड़ा बचा लेती है, है? साड़ी के पल्लू में बांध के रखती है, घर में सब खाली हुआ, मुसीबत आएगी वो निकाल के दे देगी, लो जाओ जाओ ले जाओ। हमारे देश में महिला कुछ न कुछ बचा के रखती है, और ईमानदारी का होता है, कोई बेईमानी का पैसा नहीं होता है। जब हमने कह दिया कि अगर किसी गृहिणी का 2.5 लाख रुपया अगर वो बैंक में जमा कर देगी तो सरकार उसको नहीं पूछेगी कि ये 2.5 लाख रुपये कहां से आए थे, उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? कई बेटे और बहुएं भी जो वृद्धाश्रम में मां को रख के आए थे, उन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा करा दिया मां के खाते में। अब मुझे बताइए वो मां मुझे आशीर्वाद देगी कि नहीं देगी? ऐसी वृद्ध मां आशीर्वाद दे तो फिर योजना सफल होने में कोई आशंका रहती है क्या? भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ा स्वच्छता का अभियान है, ये किसी को परेशान करने के लिए नहीं है। तकलीफ हुई है, तकलीफ तो होती, मुझे भी अंदाजा, मैंने पहले दिन भी कहा था, जब 8 तारीख को मैंने राष्ट्र के नाम संबोधन किया तब भी कहा था कि इतना बड़ा देश है, 50 दिन दिए हैं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, 50 दिन दिए हैं, जाकर के अपने जो ईमानदारी के हक के पैसे हैं वो जमा कराएं, बदले में उनको खाते में पैसे आ जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट मानता हूं, बिना हिसाब का अगर कुछ आया हाथ तो उसका देश आजाद हुआ तब से आज तक का हिसाब चेक करने वाला हूं। जितने लोगों को नए लाना पड़ेगा ला करके भी इस काम में लगाऊंगा। हां, ईमानदारी का है उसका जय जयकार, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे यहां। लेकिन इस प्रकार से किसी ने जमा किया और वो सोचता होगा कि आज बैंक में रख दूंगा फिर देख लूंगा, कोई बचने वाला नहीं है। और जो लोग मुझे जानते हैं वो कुछ समझदार भी है, तो उनको लगता है यार बैंक में जाने के बजाय गंगा जी में जाना अच्छा है, पैसे मिले या न मिले पुण्य तो मिल जाएगा। और इसलिए
देश को मैं फिर एक बार आज पहुंचते ही फिर से भी मैं लोगों को बार बार कहने वाला हूं, ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए मेरी सरकार सब कुछ करेगी और बेईमानों को तो हिसाब चुकता होके ही रहेगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमने रातों रात किया है जी, हमने पहले एक स्कीम निकाली कि भाई आप इतना दंड दे करके जितना दे सकते हो दे दीजिए, तो करीब 67,000 करोड़ रुपए आए। तब भी कुछ लोग तो कहते थे कि मोदी फेल हो गए, मोदी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिर भी आंकड़ा आया तो अब वो बोलते ही नहीं। और पिछले 2 साल में इस प्रकार के अलग अलग जो प्रयास किए, करीब करीब 1,25,000 करोड़ रुपया वापस आया, 1,25,000 करोड़ रुपया। तो मौका दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि वैसे ही है पहले जैसे थे तो फिर गलती मेरी नहीं है। और इसलिए और जो लोग अब 30 दिसंबर तक उनके पास समय है और 30 दिसंबर तक कोई तकलीफ के बिना सारा कारोबार, हाँ जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन 30 दिसंबर तक कोई मुश्किल नहीं होगा, 125 करोड़ देशवासियों का उनके हक की चीजें मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग सोचते होंगे कि 30 दिसंबर के बाद तो मैं आज फिर से यहां ऐलान करना चाहूंगा कि ये स्कीम पूरी होने के बाद दूसरा कुछ आपको ठिकाने लगाने के लिए नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। अब दुनिया इतनी बदल चुकी है, हमने मुख्य धारा में आप ठीक है पहले कर लिया भाई, मैंने मौका दिया है आ जाइए, नहीं आना है तो आप जानो, आपका नसीब जाने, और आपका नसीब नहीं आपके बेटों का नसीब की चिंता करो। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, आप लोग यहां कड़ी मेहनत करके भारत का नाम रोशन करने में लगे हैं, आपके पुरुषार्थ से देश का गौरव भी बढ़ता है, दुनिया में जहां भी जाते हैं भारतीय समुदाय के व्यवहार की बहुत ही सकारात्मक चर्चा, विश्व में जहां जहां भारतीय समुदाय रहता है उनसे मिलती है सुनने के लिए, और उसके कारण भारत की साख भी बढ़ती है, भारत की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, मैं फिर एक बार आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब हिन्दुस्तान निरंतर आगे बढ़ने वाला है, विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने वाला है, जो सपने आप दुनिया में जाकर के दुनिया देखते हो और जो अच्छी चीजें आप हिन्दुस्तान में चाहते हो वो सभी अच्छी चीजें हिन्दुस्तान में होना संभव हो चुका है, होके रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Well, there you have it, the Prime Minister from Tokyo looking at India, saying that he is going to be saluting each and every Indian. Many families had several problems. However, they accepted the decision of the government for the betterment of the country. Well, let's go across to Madhav Gopalakrishnan, who's joining us, our senior editor. Well, Madhav, quite interesting there. Prime Minister, who's facing a lot of criticism back home, decides to lash out at the opposition from Kobe.
Well, absolutely. The Prime Minister there in Kobe in Japan, where he's in fact visited a facility of Kawasaki, where in fact the high-speed trains are being looked at being deployed here between Mumbai and Ahmedabad. But importantly, referring to and making a speech for the first time after his address on Wednesday, when the decision to demonetize 500,000 rupee notes actually came about, is the first time the Prime Minister has spoken since that particular development. And he is, of course, in Japan while addressing the diaspora there, has spoken extensively of the issue of the 500,000 rupee notes that have been demonetized. I have said that although he didn't expect any kind of praise, they've admitted that's a difficult decision, but all Indians really who stood in line for 6 hours, who had personal situations, like for instance marriages in their family, despite all sorts of difficulties, have actually come out and in fact gone ahead and agreed and agreed to abide by the kind of situation, saying that he salutes that kind of spirit in terms of the public who have actually accepted this particular move. So important aspect that really the Prime Minister has referred to, has said that this is a massive Swachh Bharat Abhiyan, a massive cleanliness act, like cleanup that really that's taking place as far as black money in India. Well, Madhav, do stay on with us. In fact, Brijesh Kalapa of the Congress is also joining us. Mr. Kalapa, quite interesting, because Prime Minister Modi from Japan has decided to target you, the opposition, as well. No, I appreciate the fact that, he's trying to bring out the black money from the system. He had earlier tried to bring black money from abroad, and he has not been successful in bringing even $1 from abroad, despite the promise that he was going to bring $14 trillion, which was of Indian origin, in foreign bank. He has not been able to bring even a single dollar so far. But that's okay. Now, the focus has shifted from, for Mr. Modi, from bringing money from abroad to finding the black money within India. And that's okay. And a lot of people are put to inconvenience. A lot of people are dying across the country as a direct result of this step. Now he has hinted that he's going to take even harsher measure to bring out this black money. And I am only reminded of this, great monarch India had. And he had decided that he was going to shift the capital from Delhi to a place called Daulatpur. And, he insisted that even the blind, even the beggars, even the other people, they said they all had to go. It just did not mean that able-bodied people had to go. So then he insisted that they be tied to the cart. And he, in fact, when the bodies finally reached Daulatpur, just a couple of bones were left. So this is a monarch who has made a big name in the country. His name is Mohammed bin Tughlaq. So we would welcome Mr. Modi to take even harsher measures. Mm-hmm. As it is, people are dying. So if half the population is consumed by this, then instead of finishing off Garibi, he would be finishing off the Garib. So that's all full power to him, because Mr. Modi has decided that a certain thing must be done, and I think he must do it. So these are very scathing criticism which is coming in from the Prime Minister. Mr. Kalapa, request you to stay with us. RP Singh, if you've heard it, who is joining us, of course, from the BJP. Mr. RP Singh, Brijesh Kalapa is saying that the steps that your government, your Prime Minister is taking, Mr. Singh, is akin to what Mohammed bin Tughlaq had done and had close to destroyed the capital. At least, he's saying it's Mohammed bin Tughlaq, not like a lutera. I mean, the Congress throughout the regime was like luteras here. I mean, they looted this country for 10 lakh crore rupees in the last 10 years. And they're talking about greed. I mean, who's talking about greed? People who looted this country for 10 years and made 12 lakh crore rupees. There's a case of 5,000 crore rupees against their Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. What are they talking about? And I'm telling you, please, I'll appreciate. Come with me. I was in like you in today morning with the HDFC Bank. Uh-huh. People are saying we'll bear this, not issue. If country can progress, we'll progress with country. And it's only problem with people who have stacked black money like Congress, Kejriwal and Samajwadi Party and BSP. No one else. So there's a lot of politics which are, political attacks which are happening. In fact, also joining us, Mr. GVL Narasimha Rao. Mr. Rao, how would you like to respond to the Congress's charge that your government essentially is on a self-destruct mode, that it's trying to slowly destruct, or rather it is slowly destroying the entire country? I think the Congress party, their negative politics seems to have an unending pattern. Congress party's losses, political losses, have been
after defeat in 2014, they have been losing their votes and seats in every election. But possibly they have suffered also a lot of loss of notes in the recent surgical strike by the Prime Minister, and the kind of money that they have accumulated over the years through decades of high-level corruption. I think possibly they have also become victims of this surgical strike. And what else would explain opposition by the main opposition party of a reform measure? So yet another charge, yet another charge of vested interest. Mr. Kalappa, would you like to respond to that? Are there vested interests? The reason why the Congress is opposed to this move? See, it's been 2.5 years since Mr. Modi has come, and he promised that he was going to send a whole lot of congressmen to jail. He's not been able to initiate a fresh charge, a single fresh charge, against a single congressman in the last 2 years. In the last 2.5 years, before the election, he was full of the same rhetoric BJP spokespersons are today making, that we are going to put everybody in the Congress is set up, so on and so forth. Somebody mentioned a figure of 12 lakh crore. And, you know, these figures were easily loosely being mentioned. They said that, you know, such a lot of black money from the Congress was abroad. So has Mr. Modi been able to get $1 from the Congress coffers or from any congressman? But this is typical of the BJP. Even in 1979, when Mr. Morarji Desai, he said that we are going to demonetize 1,000, 5,000 and 10,000 rupee notes. Then he said exactly the same thing. And you must remember that the Bharatiya Janata Jan Sangh was supporting Mr. Morarji. Right. And at that time he said that we are going to finish off the Congress. It's all the Congress's money. In 1980, who won? Mrs. Indira Gandhi swept back to power. I'm glad that the BJP thinks of these Tughlaqian ideas and plans to have these Tughlaqian models because they don't know what the country is. They don't know what the country comprises. In fact, Mr. Rao, would you like to respond to that? Every criticism which is coming the way of the central government cannot be dismissed as those of vested interests, those of people who are grudging the BJP. Because the common man, yes, there are cues which are serpentine in nature. The common man has suffered. No one questions your intent, but the implementation. So when there is a sudden decision that has to be taken, obviously there is some inconvenience to people. But those people who have honest money, that's how most Indians are. They are honest. They can put their money on one day when they go to a bank. Maybe it's a matter of a couple. But the real problem is for the people who have stashed black money, and they are not able to bring their money to the banks, and it is they who are venting their frustration, and Congress party, other parties which are speaking up for that class of people, venting their own frustration. But the common man also has suffered. Let's not turn a blind eye towards that. We have so many ground reports coming in from all across the length and breadth of the country. The honest man, the common man who's got legitimate currency in his hands, even those people are suffering. We can't turn a blind eye towards it. I said that. Even the Honorable Prime Minister said as much in the very first national address when he announced the decision. He said it might inconvenience people for a few days, but I would like to appeal to you to put up with this inconvenience because it's meant for the larger national good. And people are supporting the move. Despite the inconvenience they have to go through for a limited period of time, people are welcoming this move. It's only people who are standing up with the corrupt and the black money hoarders. It is they who are complaining against it. And the Congress party is certainly standing in that. I wouldn't fully agree with you when you say only the corrupt have been complaining. There have been complaints coming in from quite a few quarters, Mr. Kalappa. So what if there is some kind of disruption in the lives for a couple of days? It's for the greater good of nation building. You know, there are a lot of people who are conducting weddings. There are a lot of small traders who have not been able to open their businesses. There are a lot of laborers who have not been able to get business because they are standing in queue. Business across the country, business activity across the country, has come to a close and a screeching halt, one. Two, that the prices of very essential commodities like salt, for instance, have spiraled. Now there are cases where people go to hospitals. And treatment is not given. Certain people have died. Now there are two other people who are stood in queue. They have died because of heart attack. There are other people who are standing in queue. They have committed suicide. Now, of course, these things don't touch the BJP because, like
not bothered about the common man. Mm-hmm. The people they have had to secure, that is Mr. Ambani, Mr. Adani, and so on and so forth, they were fully secured. The BJP And those allegations have been made by the other opposition parties as well, that there were several friends, as they called it, of the BJP, who knew beforehand, apparently, there was a steep store in the number of cash deposits being made right before this big announcement, which was made at 8 in the night. In fact, we leave it there, however. This is one debate, of course, which is going to continue. Mr. Brijesh Kalappa, as well as Mr. GVL Narasimha Rao, for joining us. Thank you so much. In fact, let's listen in to Prime Minister once again, launching a veiled attack on its opposition and thanking the people of India over this bold, big historical step called demonetization. आज मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का सामान्य मानवी भी अगर उसे अवसर मिले, मौका मिले, जिम्मेवारी की बात आ जाए, जैसा आपने करके दिखाया, वह भी पीछे रहने वालों में से नहीं है, ये मैं अनुभव से कहता हूं। Well, there you have it. Prime Minister Modi, while he was meeting the Indian diaspora, has taken on the opposition head on, and he said that there are those who have been trying to instigate the masses of India, asking them to make speeches against the government. However, the people have been staunchly standing by demonetization. In fact, Prime Minister Modi has also said that the government will do everything to ensure that it is protecting the interests of all the honest citizens and will not spare anyone identified as black money holders, and that this is a cleanliness drive and it is not meant to trouble or inconvenience anyone. Till that the 30th of December, of course, people can go and exchange their cash. So Prime Minister has said that there's going to be absolutely no trouble. We are going to ensure that everything that is yours, you will get it. So assurances there coming in from Kobe, where Prime Minister, of course, is undergoing his three-day trip to Japan. He met his Japanese counterpart as well. And during his meet with the Indian diaspora in Kobe, Prime Minister Modi made the speech where he took on the opposition as well. Remember, all along the opposition, especially the Congress, has been maintaining that it is the poor people who are being victimized. Just a short while back, we had Arvind Kejriwal who came out and said that the friends of the BJP were tipped off beforehand. In fact, let's listen in to some of the scathing reactions coming in. Arvind Kejriwal, his attack on Prime Minister Modi. ये दो दिन पहले देश में भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे कि काला धन और भ्रष्टाचार कम करने के नाम पे असल में एक बहुत 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 बड़े स्तर पे घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। 8 नवंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था कि 500 हजार रुपए के नोट बंद किए जा रहे हैं, उसके पहले इन्होंने अपने सारे दोस्तों को, जिनके पास असल में इस देश का सारा काला धन है, उनको और भाजपा के लोगों को पहले से सतर्क कर दिया था और उन लोगों ने अपना अपना माल ठिकाने लगा दिया था। Well, there you have it, a scathing attack coming in from the Aam Aadmi Party chief and the Delhi chief minister, Arvind Kejriwal, saying that all the friends were tipped off by the BJP government, and people such as Ambani and Adani, who have been named by the Delhi chief minister, apparently already knew that demonetization was supposed to happen. In fact, Arvind Kejriwal also cited some of the news reports which are coming in that there apparently was a steep soar when it came to cash deposits right ahead of this big announcement. So Arvind Kejriwal takes that as a tipping off, a fixing which was carried out by the government, where all the friends of the government were tipped off beforehand, and hence they were able to make some kind of arrangements before the big announcement was made officially. Well, of course, the Congress also has been spearheading this attack, saying that the common man is the one who's made to suffer. It is the big fish who've managed to get away. Meanwhile, the BJP too have been countering the kind of charges coming in from a united opposition. Let's get you some of their defenses. Unfortunately, some of the people and the leaders of the political parties, and Mr. Kejriwal is leading the pack, who are criticizing the government's initiative, even though Mr. Kejriwal is known to be a crusader against corruption, but
Today he is standing with those people who are actually seen as corrupt.